These are the mixed review. मैं कॉलेज एक टाइम पर 45 LPA फी स्ट्रक्चर भी सबसे कम है। प्लेसमेंट्स पहले तो एकदम छप्पर फाड़ होती थी, अब इनकी हालत। हे दोस्तों, मेरा नाम विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, AOT कॉलेज के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा मिक्स रिव्यू, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलेज की प्लेसमेंट पहले तो एकदम छप्पर फाड़ होती थी, अब इनकी हालत बहुत 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 ज्यादा खराब हो गई है। बट अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलेज की। एक ऐसी मैं बताना वाला हूँ कि ये कॉलेज एक टाइम पर 45 LPA का दिनडोरा पीट रहा था। 45 LPA, बट दोस्तों आज के दिन इनकी पैकेज कितनी है, 7 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। मतलब एवरेज पैकेज तो दोस्तों जहाँ 5 लाख 7 लाख हुआ करता था, अभी 3.8 लाख है। इस पर्टिकुलर कॉलेज की फी स्ट्रक्चर भी सबसे कम है दोस्तों, ये सिर्फ 4.5 लाख रुपए के आसपास फी स्ट्रक्चर लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 4.7 लाख, जो बहुत 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 कम है मार्केट रेट से। बट ये पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आपको जाना है तो ये AOT का कैंपस आपको आडिशोप्तोग्राम में देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर है, मतलब एक तरीके से मेन सिटी से काफ़ी दूर है, बट बहुत सारे लोगों के लिए बेस्ट होता है कैंपस। यार मतलब कमाल का कैंपस है दोस्तों। ये पूरा कॉलेज रिव्यू एक मिक्स टाइप ऑफ रिव्यू होगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। हम बात करते हैं दोस्तों ओनली ऑफिशियल डेटा पे, हम कभी भी बात नहीं करते। आज के दिन आप किसी भी कॉलेज रिव्यू को उठाकर देख लीजिए मेरे वीडियोस में, कोई भी आर्बिट्री थिंग मैं नहीं बताता दोस्तों। आपको एकदम स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे पब्लिश होती है, तभी आप देख पाते हैं कि जो है कि विवेक क्या बात कर रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं दिस एंड दैट, बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कोई कुछ भी बोल रहा है ऐसा नहीं, हमें प्रूफ दिखाइए। और हमारे वीडियोज में हर बार आपको प्रूफ ऑन द स्क्रीन प्रिंट होता है, सो दैट इज हाउ दिस वीडियोज वी मेक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों आप हमारे एडमिशन कम्युनिटी टीम को अभी रीच आउट कीजिए। डायरेक्ट एडमिशन ऑन हो चुकी है, चाहे AOT की बात करें या किसी भी प्राइवेट कॉलेज की बात करें वेस्ट बंगाल में। हिंदी के लिए इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, बंगाली के लिए इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे एडमिशन कम्युनिटी टीम को रीच आउट करें और एडमिशन ले लें इन द अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। और जितने भी स्क्रीन पे आपको लोगोस दिख रहे हैं, GIS कॉलेज हो गया, या फिर हम बात करें टेक्नो ग्रुप के कॉलेजेस, NSCC, नेताजी, IEM एंड मेनी मोर गुड कॉलेजेस, तो अभी हमारे एडमिशन कमिटी टीम को रीच आउट करें, ऑफिस को विजिट करें। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वी ऑफर इज दिस ट्रस्ट। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज कि ये पर्टिकुलर कॉलेज दोस्तों आपको बहुत पुराना, मतलब ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का लेगेसी के साथ आता है। मैंने बात करें अक्रीडिएशन की, तो ये NAC अक्रीडिएटेड है दोस्तों, साथ में ये आपको AICTE अप्रूव्ड, मकाउड अफिलिएटेड, तो ओवरऑल में ये कॉलेज अक्रीडिएशन एंड अफिलिएशन के मामले में काफी कमाल का है। 25 ईयर्स से भी ज्यादा बड़ा लेगेसी है, 2000 से पहले का कॉलेज है दोस्तों। ओवरऑल में हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉलेज AOT में अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी में कितने ब्रांचेस पढ़ाए जाते हैं, तो आपके स्क्रीन पर पब्लिश हो रहा है टोटल BTech के 6 ब्रांचेस यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। इसके में आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, EEE, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, IT नाम का या कोई ब्रांच नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये कॉलेज और भी सीट्स बढ़ा भी नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों इसकी प्लेसमेंट्स की हालत बड़ी खराब हो चुकी है। बात करें इस पर्टिकुलर कॉलेज में, तो यहाँ पर मास्टर्स भी कराया जाता है सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जो कि एक PG कोर्स है, आपके लिए नहीं है। तो ओवरऑल में टोटल यहाँ 6 कोर्स है, और आप देख सकते हो सिर्फ ECE और आपके जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में आपको 180 सीट्स देखने को मिलता है। बात करें इस पर्टिकुलर कॉलेज की, तो दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कैंपस कमाल का है, कैंपस वीडियो भी है हमारे पास, आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बुक्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, कैंपस एकदम कमाल का है। बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों आपको कैंपस के साथ देखने को मिल जाता है। ये पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें दोस्तों फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे पब्लिश हो रहा है, सिर्फ 1,05,000 लगता है व्हेन यू टेक एडमिशन। इसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर 52,000 रुपीज़ के आसपास पर सेमेस्टर फीस है। जो सेमेस्टर फीस है वो सबसे ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता है, सिर्फ 4.5 लाख के आसपास जो है टोटल कॉलेज फीस है। अभी ये कॉलेज जरा बढ़ा देती है, जरा कम कर देती है, वी कैन नॉट से दैट, बट अभी जो है करंटली इनका कॉलेज फीस है दैट इज ओनली 4.7 लाख अप्रॉक्सिमेटली। बात करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, जिसमें आपका बड़ा ध्यान होता है कि प्लेसमेंट्स कैसी हो रही है। तो आने वाले टाइम पे, आने वाले मैंने जमाने में, ये कॉलेज में बहुत गजब की प्लेसमेंट्स हुआ करती थी। आज के दिन हम देखें दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको Amazon ऑन कैंपस देखने को मिलता था, 45 लाख का हाईएस्ट पैकेज। इसके बाद गीक्स फॉर गीक्स देखने को मिल जाता था, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता था सर्विस माइक्रोसॉफ्ट तक। बट अभी जो है इस कॉलेज में बहुत कोई कंपनीज ही नहीं आ रही। अभी हम पहले देख सकते थे कि जो है इनका
हमें देखने को मिल रहा था कि CTS, Capgemini, यहाँ पर PwC, यहाँ पर हमें EY एंड मेनी मोर गुड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको विजिट करते हुए दिखते थे। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2024 में 61.50 का प्लेसमेंट हुआ था ओनली टिल दी अप्रैल, और अप्रैल का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट प्लेसमेंट खत्म हो चुकी है। हाईएस्ट सिटी सी यहाँ पर सिर्फ 7 लाख से, कॉलेज ने कुछ छिपाया नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एवरेज सिटी सी है 3.8 लाख, जो बहुत ज़्यादा 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 कम है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का 1 लाख ने यहाँ पर 147% का प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम हर बच्चे को प्लेसमेंट मिला, उसके बाद भी एक एक बच्चे को डबल ट्रिपल ऑफर मिला है। 5 लाख का एवरेज पैकेज हुआ करता था 2023 में, जहाँ पर 23 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। 2022 में जहाँ पर अमेजोन ऑन कैंपस आई थी, 191% का प्लेसमेंट हुआ था, मैंने खुद रिव्यू किया था, वहाँ पर 4 लाख का जो है एवरेज पैकेज हुआ करता था। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट्स की हालत खराब है, बट ओवर द ट्रैक रिकॉर्ड ये कॉलेज का प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कमाल का हुआ करता था, और आज के दिन भी आप भरोसा के करके जा सकते हैं कि अभी 3 साल बाद इसका सीनेरियोज काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हुआ हो सकता है। बाद अब के बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेबोरेटरीज में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है AI DS एंड मेनी मोर चीज़ों के लिए, अब यहाँ पर लैब्स भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। बात करें इस पर्टिकुलर कॉलेज की, सो बहुत ज़्यादा जो है कमाल का कैंपस है। इसमें बात करें अगर एंट्री चाहिए 10% JEE मेंस, 80% आपको WB चाहिए, और 10% मैनेजमेंट कोटा के साथ आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन्स अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में करवाना चाहते हैं तो हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ रेंट ऐसे हैं कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको CSE चाहिए तो ऑलमोस्ट 13,000-14,000 के आसपास CSE मिल जाता है। इसके अलावा जो है आपको अगर CSBS और ECE चाहिए तो 20,000-25,000 तक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी EEE ब्रांच हुए, ये सारे ब्रांच हुए, तो वो आपको दोस्तों मैकेनिकल ये सारे ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगे ऑलमोस्ट क्लोज टू 60,000-70,000 के आसपास। ये कॉलेज भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, कैंपस के मामले में एकदम कमाल का है। तो अगर आप इस कॉलेज के पास साथ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड चॉइस टू गो फॉरवर्ड। अगर आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगे थे आपको अलविदा, बाय दोस्तों।